दोस्तों, आपने साल 2013 में आया सीरियल भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप तो देखा ही होगा, जिसमें हमें कई टीवी के सितारे अपनी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारते हुए नजर आए थे। लेकिन दोस्तों, सीरियल को प्रसारित हुए कई साल बीत चुके हैं और बीते इन सालों में सीरियल में नजर आए सभी कलाकार काफी ज्यादा बदल चुके हैं, जिन्हें आज आप देखेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे। और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि सीरियल में नजर आए सभी कलाकार आज कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर 10, फलक नाज। सीरियल में रुकैया सुल्तान का किरदार निभाती नजर आ चुकी अभिनेत्री फलक नाज आज 69 साल की हो चुकी हैं, जहां आज ये पहले से काफी ज्यादा स्टाइलिश और मॉडल दिखाई देती हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इसी के साथ बता दें कि इन्होंने आज टीवी इंडस्ट्री से दूरी बना ली है, जिन्हें आखिरी बार सीरियल राम सिया के लव कुश में देखा गया था और आज ये सिंगल रहकर अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड कर रही है। नंबर 9, रीमा वोहरा। बात करते हैं सीरियल में गौहर खान के किरदार में नजर आ चुकी अभिनेत्री रीमा वोहरा की, जो आज अपनी 33 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी हैं और पहले से काफी ज्यादा यंग नजर आती हैं और स्टाइलिश भी, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां ये पहले से थोड़ी हेल्दी नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को एक्टिव रखा है, जो सोनी सब पर हाल ही में शुरू हुए सीरियल दिल दिया गल्ला में नजर आ रही है। नंबर 8, शक्ति आनंद। सीरियल में महाराणा उदय का किरदार निभाते नजर आ चुके अभिनेता शक्ति आनंद की बात करें तो आज ये अपनी 47 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं और ये भी पहले से काफी ज्यादा यंग और हैंडसम नजर आते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आज इन्होंने टीवी इंडस्ट्री से दूरी बना ली है, जिन्हें आखिरी बार सीरियल चन्ना मेरिया में देखा गया था और आज शक्ति आनंद अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 7, हीना परमार। सीरियल में महारानी फूल कवर का किरदार निभाती नजर आ चुकी अभिनेत्री हीना परमार की बात करें तो आज इनकी उम्र 32 साल हो चुकी है और ये पहले से काफी ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश दिखाई देती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, और इनकी स्किन विदाउट मेकअप भी काफी ज्यादा ग्लो करती है। इसी के साथ आपको बता दें कि इन्हें आखिरी बार सीरियल ए मेरे हमसफर में देखा गया था, लेकिन आज ये टीवी इंडस्ट्री से दूर है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। नंबर 6, जन्नत जुबैर। अब बात करते हैं सीरियल में राजकुमारी फूल कवर का किरदार निभाती नजर आ चुकी अभिनेत्री जन्नत जुबैर की, तो आपको बता दें इन्होंने आज अपनी 21 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है और आज जन्नत जुबैर पहले से काफी ज्यादा स्टाइलिश और गॉर्जियस नजर आती हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि वैसे तो ये टीवी सीरियल की दुनिया से दूर है, लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर इन्हें देखा जाता है, जहां हाल ही में ये बिग बॉस 16 में भी नजर आई हैं। नंबर 5, रोशनी वालिया। सीरियल में रोशनी वालिया ने अजीत पवार के किरदार को काफी शिद्दत से पर्दे पर उतारा था। अगर बात करें इनके आज की तो बता दें इन्होंने आज अपनी 21 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, जहां अब ये पहले से काफी बड़ी हो गई हैं और अब ये कई तरह के स्टाइलिश ड्रेस को कैरी करने के बाद तो बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। फिलहाल ये सिंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ मुंबई में अपनी लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। वहीं इन्हें आखिरी बार साल 2019 में तारा सितारा सीरियल में देखा गया था। नंबर 4, फैसल खान। यंग महाराणा प्रताप के किरदार को खूबसूरती से पर्दे पर पेश करते हुए अभिनेता फैजल खान नजर आ चुके थे, वहीं इन्होंने आज अपनी 23 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, जिसके चलते अभी ये पहले से काफी ज्यादा यंग और हैंडसम नजर आते हैं, जहां अब ये स्टाइलिश ड्रेस को कैरी करने के बाद तो और भी ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। इसी के साथ बता दें कि इन दिनों फैजल खान धर्म योद्धा गरुड़ सीरियल में नजर आ रहे हैं और अपने मम्मी पापा के साथ अपनी लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। नंबर 3, राजश्री ठाकुर। सीरियल में महारानी जया के किरदार को बखूबी से पर्दे पर पेश करने वाली अभिनेत्री राजश्री ठाकुर, बता दें बीते इन सालों में राजश्री ठाकुर ने अपनी 41 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, पर इसके बावजूद भी ये ट्रेडिशनल ड्रेस से लेकर वेस्टर्न ड्रेसेस को कैरी करने के बाद काफी ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आती हैं। वहीं अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो बता दें साल 2017 में इन्होंने संजोत वैद्य से शादी रचा ली थी, जिनसे आज इनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। वहीं इन्होंने अभी भी अपने करियर को बरकरार रखा हुआ है। नंबर 2, रचना पारुलकर। रचना पारुलकर ने सीरियल अजब देव पवार के किरदार को निभाते हुए नजर आई थी। अगर बात करें इनके आज की तो बता दें इन्होंने आज अपनी 32 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है और अब ये ट्रेडिशनल के साथ साथ स्टाइलिश ड्रेसेस को भी कैरी करने के बाद बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। इसी के साथ बता दें फिलहाल ये अभी सिंगल है और अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। नंबर 1, शरद मल्होत्रा। सीरियल में महाराणा प्रताप के किरदार को सबसे ज्यादा खूबसूरती से पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता हैं शरद मल्होत्रा। पर बात करें शरद मल्होत्रा की आज की तो बता दें शरद मल्होत्रा ने आज अपने 39 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है और अब ये पहले से ज्यादा हैंडसम नजर आते हैं, क्योंकि अभी कई तरह के फैशनेबल ड्रेसेस को कैरी करते हुए नजर आते हैं। वहीं इन्होंने साल 2019 में फैशन डिजाइनर रिप्सी भाटिया से शादी कर ली। इसी के साथ बता दें आखिरी बार शरद मल्होत्रा को विद्रोही सीरियल में देखा गया था। वेल दोस्तों, आप महाराणा प्रताप सीरियल में नजर आए इन कलाकारों के आज के हालातों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।